बचपन का क्या कोई गेम याद आ गया? तो ये गेम नहीं है, इसे हम खाएंगे। इसे सजाते हुए मुझे भी उसी गेम का नाम याद आ गया है। तो आप बताइएगा कौन सा गेम? हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ सीमा, इस चैनल की होस्ट। आज हम लोग बनाएंगे अनियंस के अनियन रिंग्स। तो फटाफट से चलिए बनाते हैं अनियन रिंग्स और देखते हैं क्या है इसकी रेसिपी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो मेरे अच्छे से देख रहे हैं, व्यूज तो बहुत ही अच्छी आ रही है, पर आप लोग लाइक करना भूल जा रहे हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक भी जरूर करें। आप चलिए देखते हैं रेसिपी। अनियन रिंग्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे अनियंस। इसे इस तरीके से साइज में हम बड़े बड़े कट कर लेंगे। जो बड़े बड़े सर्कल हैं वही लेंगे, जो लास्ट में छोटे छोटे होते हैं वो हम सब्जी में यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट लिया है मैंने 2.5 टीस्पून मैदा। नेक्स्ट लिया है मैंने कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर, यह है 1 टीस्पून। नेक्स्ट लिया है मैंने ब्रेड क्रम्स, ये फ्रेश ब्रेड है, ग्राइंडर में डाल के जस्ट ग्राइंड कर लिया है। मेरे पास ब्राउन था इसलिए मैंने ब्राउन लिया है, आपके पास वाइट है तो वाइट ले लीजिए। नेक्स्ट लिया है मैंने ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम एक स्लरी तैयार करेंगे। तो जो मैंने मैदा लिया था 2.5 टीस्पून, उसमें मैं ये कॉर्न स्टार्च जो मैंने रखा था 1 टीस्पून, इसे डाल करके नेक्स्ट अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और ये जो दो मसाले हैं रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, इन सबको डाल करके अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक थिक पेस्ट तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके फ्रेंड्स मिलाइएगा, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, ये थोड़ा थिक होना चाहिए, बहुत पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा ही रहना चाहिए। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून रिफाइन ऑयल, इसे डाल करके भी हम अच्छे से मिला लेंगे। ऑयल इसलिए डालते हैं कि जब भी हम कोई भी पकौड़ी या फ्राइज बनाए तो बहुत ही क्रिस्पी बने। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से होनी चाहिए। अब चलिए सभी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ हम रख लेते हैं। 1, 2, 3। सभी इंग्रेडिएंट्स को मैंने सीरियल वाइज रख लिया। तो सबसे पहले 2 चम्मच मैदा लिया है प्लेट में, उसके बाद जो स्लरी हमने तैयार किया था उसे ले लिया है। नेक्स्ट लिया है फ्रेश ब्रेड के ब्रेड क्रम्स, वाइट ब्राउन इससे टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो भी ब्रेड है उसे आप बना लीजिए। और नेक्स्ट है अनियन रिंग्स है तो अनियंस, और एक लिया है मैंने खाली प्लेट। क्यों लिया है? क्योंकि अनियंस को जब डिप करके रखेंगे तो रखने के लिए एक प्लेट चाहिए। और अब इस प्लेट पे थोड़ा सा मैदा हम छिड़क लेते हैं ताकि जब हम डिप करके अनियन रिंग्स को रखें तो उस पर ना चिपके। अब हम प्याज के रिंग्स को कोट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्याज को हम मैदे में अच्छे से चारों तरफ प्याज के रिंग्स में मैदा लगा लेंगे। इसके बाद इसे हम स्लरी में अच्छे से डिप कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा पेस्ट है इस पर लगा हुआ वो हम थोड़ा सा फ्यू सेकंड रुक करके निकल जाने देंगे। इसके बाद इसे हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स में और ब्रेड क्रम्स ऊपर से डाल करके चिपकाएंगे। इसे हम प्रेस कर करके नहीं चिपकाएंगे, जस्ट उस पर देखिए इसी तरीके से डाल करके जितना चिपक जाए बस उतना ही, प्रेस नहीं करना है। तो देखिए प्रेस करेंगे तो जो ऊपर से इसका टेक्सचर फ्राई करने के बाद बहुत अच्छा सा आता है वो नहीं आएगा, इसलिए इसे प्रेस बिल्कुल भी नहीं करिएगा। तो इसी तरीके से सभी अनियन रिंग्स को आप कर लीजिए कोट वन बाय वन। मैं एक और आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से जो एक्स्ट्रा पेस्ट इस पे लगा था वो मैं थोड़ी देर रुक करके उसे निकल जाने दे रही हूँ। जब वो निकल जा रहा है फिर इसे ब्रेड क्रम्स में चारों तरफ से घुमाते हुए अच्छे से कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स को। तो देखिए रेडी है इस तरीके से अनियन रिंग्स। इसी तरीके से सभी रिंग्स को हम कर लेते हैं कोटिंग। तो वाह सीमा, ये तो चुटकियों में हो गया, ऐसे ही हो जाए करे तो क्या बात है। इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए। तो 10 मिनट बाद जब ये सेट हो जाएगा अच्छे से
फिर हम करेंगे इसको फ्राई। तो सबसे पहले लिया है मैंने पैन और उसमें डाल दिया है रिफाइन ऑयल फ्राई करने के लिए। तो जैसे ही ऑयल मीडियम हीट हो जाए फिर हम इसमें रिंग्स को डालेंगे। बहुत ज़्यादा हीट नहीं करिएगा, अदरवाइज जैसे ही आप रिंग्स को डालिएगा वो तुरंत ही जलने लग जाएगा या डार्क हो जाएगा, वो अच्छे से क्रिस्पी नहीं होगा और अंदर तक कुक भी नहीं होगा। तो इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करिए। देखिए इसी तरीके से डाल करके तभी जो इसका कलर है ना एकदम रेस्टोरेंट जैसा गोल्डन गोल्डन ब्राउन होगा। अगर आप हाई फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेंगे तो ये जल जाएगा, डार्क हो जाएगा या फिर देखने में उतना सुंदर भी नहीं लगेगा, स्वादिष्ट भी नहीं आएगा। जब कोई भी चीज़ जल जाता है तो टेस्टी नहीं लगता है। तो थोड़ा सा जगह था तो मैंने एक और रिंग्स ऐड कर दिया है। तो इन सबको करेंगे हम फ्राई आराम से। जब इस तरीके से ये गोल्डन फ्राई हो जाए उलट पलट करके तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो जब भी आप फ्राई करिए फ्रेंड्स तो ध्यान रखिएगा हाथ बिल्कुल भी नहीं जलाइएगा, हड़बड़ किस बात की है, जल जाएंगे तो काम और बढ़ जाएगा। तो आराम से फ्राई करिएगा। इसी तरीके से 2 से 3 बैच में सबको फ्राई कर लीजिए। और फ्राइज बना रहे हैं तो उसके साथ एक चाहिए मज़ेदार डिप। तो चलिए अब हम बनाते हैं डिप। डिप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 पीस गार्लिक। तो गार्लिक का टेस्ट आपको जितना स्ट्रॉन्ग पसंद है उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो गार्लिक को सबसे पहले मैंने ग्रेट कर लिया है। उसके बाद इसमें डाला है मैंने टोमेटो सॉस, नेक्स्ट रेड चिली सॉस। रेस्टोरेंट जैसा डिप बनाना बहुत इजी होता है, बच्चे भी बहुत ही आराम से घर पे बना लेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। अब इसमें थोड़ा सा मेयोनीज डाल करके इन सबको अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो सबका टेस्ट है ना एक साथ मिल करके बहुत ही टेस्टी हो जाता है और डिफरेंट सी डिप तैयार होती है। तो डिप है रेडी। तो चलिए करते हैं अब इसकी प्लेटिंग। एक एक रिंग्स को इसी तरीके से आराम से सजा लीजिए। वैसे मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं सोच रही हूँ फटाफट से खाने के लिए। जैसे ही मैं सारे पिक्चर्स लूँगी और फटाफट से खा लूँगी। ऑलरेडी एक खा लिया मैंने। इस तरीके से स्टाइल से सजा करके करिए आप सर्व गर्मा गर्म अनियन रिंग्स। खाइए, एंजॉय करिए। रेसिपी मेरी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ज़रूर से करिए फ्रेंड्स। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी में।